गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास, कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। आजकल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसमें आपने क्या करा था, थोड़ा बहुत इसको हमने देखा था। अब इसमें हम देख रहे थे कि जो पुनर्योगज डीएनए है, जो उसके तकनीक के साधन है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। पुनर्योगज डीएनए मतलब दो डीएनए से मिलकर बना है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुनर्योगज डीएनए। तो इसमें हम जो साधन थे यानी कि इसके टूल्स थे, उसमें था सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम में क्या होगा बच्चों, कि जो प्रतिबंधन एंजाइम होगा वो क्या होगा, जैसे इसमें हमने दो की बात करी थी, एक था इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, जो क्या करेगा कि जो डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसको कट करेगा, ठीक है, विशिष्ट स्थानों से क्या करता है, कट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हम पहले जब भी हम क्या करेंगे, पुनर्योगज डीएनए को बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो उससे हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को विशिष्ट स्थानों से क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एंजाइम लगता है वो क्या है आपका, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जीवाणुओं के पास क्या होते हैं, ऐसी टेक्निक्स होती हैं, या उससे हम कह सकते हैं उसकी प्रतिरक्षा सिस्टम है ये। जैसे हमारे पास होता है वाह्य विषाणु जीवाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र, ऐसी जीवाणुओं के प्रति क्या है, जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जब भी जीवाणु में विषाणु क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, जीवाणु इन एंजाइम्स की मदद से उसका क्या करेगा, डीएनए को कट कर देगा, जिससे कि वो बच जाएगा, इन्फेक्टेड होने से बच जाएगा। तो जब ये बात साइंटिस्ट को पता चली, साइंटिस्टों को, तो उन्होंने क्या करा, इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या करा, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर समझ गए इतना कि ये हमने टेक्निक कहाँ से ली है, जीवाणु से ली है। जीवाणु क्या करता था, जब भी विषाणु उस पर क्या करता है, हमला करता है और उसके सिस्टम को हाइजैक करने की कोशिश करता है, तो जीवाणु के पास जो एंजाइम है, क्या है उसका नाम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उससे वो क्या करता है, विषाणु के डीएनए को कट कर देता है, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके, ठीक है। दूसरा इसमें जो एंजाइम आता है वो है आपका लाइगेज एंजाइम, ठीक है। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा आपका, लाइगेज एंजाइम इसको बोलते हैं जेनेटिक गम, जो हमने कांटे सिरे हैं उनको जोड़ने के काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है, ठीक है। फिर हो गया है प्रतिबंधन एंजाइम तो हो ही गए, दूसरा क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा कि जितने भी हमारे जो हमने क्या करे हैं, सिस्टम है हमारा, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये देखिए, ये एंजाइम टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करते हैं, जिससे डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है ना। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से पुनर्योगज संकर डीएनए क्या करते हैं, उनकी अनेक कॉपियों को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। सबसे पहले हमने क्या करा, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड हेक्सल था, इसको हमने किससे काटा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से काटा, ठीक है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं, पॉलीमरेज एंजाइम से क्या कर रहे हैं, इसकी अनेक कॉपियाँ, क्यों, क्योंकि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो टेम्पलेट्स पे क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड कराता है, बहुलीकरण करता है, जिससे कि डीएनए का क्या होगा, जो पुनर्योगज डीएनए हम चाह रहे हैं उसकी बहुत सारी कॉपियां क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, क्लोनिंग वाहक, ठीक है। क्लोनिंग वाहक मतलब कि क्लोनिंग वाहक के रूप में मुख्यतः प्लाज्मिड एवं जीवाणुभोजी को काम में लिया जाता है, ठीक है। कि किन के वैक्टर मतलब क्या हुआ, जैसे मॉस्किटो है ना, मलेरिया के लिए वाहक क्या है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन वेक्टर का काम कौन कर रहा है, वहाँ पे मॉस्किटो कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, क्लोनिंग वाहक के थ्रू हम अपने डिजायरेबल जीन को यानी कि वांछित जीन को हम क्या करेंगे, लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुँचाएंगे। तो वो काम कौन करता है, क्लोनिंग वाहक करता है। देखिए क्या लिखा है, क्लोनिंग वाहक के रूप में मुख्यतः प्लाज्मिड एवं जीवाणु भोजी को काम में लिया जाता है। वे वाहक जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतियाँ बनाने में सक्षम है, ठीक है। रेप्लिकेशन के थ्रू क्या होगा, जो हमने एक बार बनाई वो बार बार अगर रिप्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए खुद को बनाता है। तो ये क्या है, जो भी हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है उसकी कॉपियाँ बनती चली जाएंगी। जीवाणु भोजी के जीनोम की जीवाणु कोशिकाओं में अनेक प्रतिकृतियाँ बन जाती है। तो वहाँ क्या होता है, जीवाणु भोजी भी हो सकता है और प्लाज्मिड भी हो सकता है,
ठीक है। कुछ प्लाज्मिड की जीवाणु कोशिकाओं में एक या दो प्रतिकृतियाँ, जबकि कुछ प्लाज्मिड में 15 से 100 तक की कॉपीज या प्रतिकृतियाँ क्या हो जाती हैं, बन सकती हैं। ठीक है, यदि विजातीय या वांछित डीएनए खंड को इन वाहकों के साथ जोड़ दिया जाए तो जो भी हमारा विजातीय डीएनए है वो भी क्या हो जाएगा, इनके साथ मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि गुणित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा देखते हैं कि अब हमने क्या करा, वाहक से जोड़ दिया है उसको, अब हमने उसको कहाँ डाल देना है, परपोषी जीव के शरीर में डाल देना है, यानी कि लक्ष्य कोशिका तक उसको पहुँचा देना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु कोशिका या परपोषी में प्रवेश कराने से पहले जीवाणु कोशिका को पुनर्योगज डीएनए हेतु क्या बनाया जाता है, सक्षम बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कंडीशन कि जो पुनर्योगज डीएनए है उसके लिए क्या होगा कि द्विसंयोजन कैल्शियम आयन की विशिष्ट सांद्रता से उसे संसाधित किया जाता है और जीवाणु कोशिकाओं को क्या कराया जाता है, इंटर कराया जाता है। ठीक है, और जीवाणु कोशिका को बर्फ पर रखें, इसमें पुनर्योगज डीएनए को बलपूर्वक प्रवेश कराते हैं और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उसके बाद उसको फिर बर्फ़ पर रखा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा पुनर्योगज डीएनए को सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्रक में हम या तो प्रवेश करा सकते हैं डायरेक्ट जहाँ पर उसका केंद्रक है उसके अंदर, या तो फिर हम जीन गन या बायोस्टिलिक मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में डीएनए से आवृत सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों को पादप कोशिका में उच्च वेग के साथ क्या करा जाता है, प्रवेश कराया जाता है ताकि वो लक्ष्य कोशिकाओं तक क्या हो जाए, पहुँच जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या थी आपकी कि एक पुनर्योगज डीएनए बनाने में कितने टूल्स का क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, पुनर्योगज को जो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो पहला क्या था, प्रतिबंधन एंजाइम कि हमने डीएनए को कट किया, लाइगेज एंजाइम से जोड़ा, पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, उसको टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या देगा जिससे कि उसकी कॉपी बनने में क्या होगी, आसानी होगी। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम अभी बताया था कि आपको ये क्या करता है, जेनेटिक गम है, दो अलग अलग डीएनए इसको क्या करता है, आपस में जोड़ता है। सपोज कीजिए ये एक डीएनए है और एक ये डीएनए, तो इन दोनों को ये क्या करेगा, जेनेटिकली जोड़ने का काम करेगा, कौन, लाइगेज एंजाइम। फिर वाहक क्या है कि इन दोनों को हमने क्या करा, एक वेक्टर के माध्यम से, यानी कि एक वाहक के माध्यम से हम क्या करेंगे, परपोषी जीव के अंदर क्या करेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो लक्ष्य कोशिकाएं हैं वहां तक इसको पहुंचाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, पुनर्योगज डीएनए के तकनीक के साधन है, यानी कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ गए, फिर से देख लीजिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले ये हो रहा है कि हमने क्या करना है, प्रतिबंधन एंजाइम को लेना है। ठीक है ना, प्रतिबंधन एंजाइम क्या करेगा, ये डीएनए है, ठीक, तो डीएनए पर क्या करेगा, प्रतिबंधन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस कट करेगा विशिष्ट स्थानों से और उसका क्या करेगा, एक हिस्से को ले लेगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू क्या करेगा, ये टेम्पलेट पे बहुत सारे डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्योंकि डीएनए किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के से बने होते हैं, तो वो क्या करेगा, उनको प्रोवाइड करेगा और उससे क्या होगा, उनकी अनेक कॉपियाँ बनेंगी। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, दो अलग अलग डीएनए को जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिक गम है। ठीक है, फिर वाहक के थ्रू, अब इसको हमने क्या करा, एक वाहक से जोड़कर परपोषी कोशिका तक क्या कर दिया है, पहुंचाना है, जिससे कि ये अपना काम आसानी से करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, ये परसों भी बताया था आपको कि ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं और ये केवल जो द्विसूत्री डीएनए होता है उन पर ही क्रिया करते हैं और इनको हम आणविक कैंचियाँ या रासायनिक चाकू भी कहते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं, ये ई कोलाई से जो जीवाणु होते हैं उनसे ही ये प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और एच हिंड सेकंड प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थे। ठीक है बच्चों, और इनमें एक गुण पाया जाता है कि ये क्या करते हैं, किसी भी डीएनए को विशिष्ट अनुक्रमों से काटते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उसको बोलते हैं, देखते हैं अभी आएगा। ठीक है, तो हिंड एक डीएनए को ऐसे विशिष्ट स्थलों से काटता है जहाँ वह 6 क्षारक युग्मों का एक विशेष अनुक्रम पाया जाता है, यानी कि
वो विशिष्ट स्थानों को पहचान कर ही काटेगा, आगे पीछे से नहीं काटेगा। फिर जीवाणुओं के 230 से भी ज़्यादा प्रभेदों में 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम अलग किए जा सके, यानी कि जीवाणुओं से हमने 900 से भी ज़्यादा जो प्रतिबंधन एंजाइम है, क्या है प्रतिबंधन एंजाइम, जो कि क्या करते हैं डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं। और ये प्रतिबंधन एंजाइम भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक है एक्सोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये क्या करता है सिरों से काटेगा, डीएनए को कहाँ से काटेगा, सिरों से काटेगा। और जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो अंदर से इसको कट करेगा, ठीक है, बीच में से या अंदर की ओर से इसको कट करेगा। अब है कि ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में, ठीक है, कैसे सीक्वेंस में, पैलिंड्रोम सीक्वेंस में काटता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या हुआ कि जैसे हम पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ऐसे अक्षर या ऐसे डीएनए के अनुक्रम जो उल्टे और सीधे पढ़ने में एक जैसे लगे, जैसे कनक है, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे तो भी कनक है, यहाँ से पढ़ेंगे तो भी। फिर है आपका मलयालम, तो उसको उल्टा पढ़ें सीधा पढ़ें तो पढ़ना क्या है मलयालम। तो हम क्या कर रहे हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही डीएनए को काट रहे हैं विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से। देखिए क्या लिख रहा है कि यह वर्णों के अक्षरों का एक ऐसा समूह है जिसमें शब्दों को पीछे या आगे से पढ़ने में वो एक समान दिखाई देते हैं, ठीक है, एक जैसे दिखाई देते हैं। और उनको 5' to 3' एंड याद होगा आपको, और 3' to 5' एंड में क्या करते हैं एक जैसे इस सीक्वेंस में काटते हैं, ताकि दो, क्योंकि दो हमें अलग अलग डीएनए को क्या करना है, जोड़ना है, तो इसलिए क्या करते हैं उनको ऐसे अनुक्रमों में काटते हैं ताकि बाद में क्या हो कि उनको जोड़ने में हमें क्या हो आसानी हो जाए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, ये क्या, देखिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर रहा है, डीएनए को विशिष्ट उस पर काट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस देखिएगा, GAATTC, ठीक है, फिर इसके अपोजिट क्या है, जी के अपोजिट साइटोसिन हो गया, AATTAG, ये पढ़ रखा है ना आपने। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसको ऐसे सीक्वेंस में काटेगा कि ये दोनों जो डीएनए हैं ये आपस में क्या हो जाए, बाद में जब हम इनको लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक सीक्वेंस में जुट जाएंगे। इसमें देखिएगा एक डीएनए आपका ये है, ठीक है, दूसरा डीएनए आपका ये है। तो अब देखिए मान लीजिए ये क्या है आपका वांछित डीएनए है, ठीक है, और इसके साथ हमें इसको जोड़ना है ये आपका प्लाज्मिड का डीएनए। तो क्या करा, देखिए ई को आर आई, ठीक है, ई को आर वन, यानी कि ये क्या है ई को आर वन जो हमारा प्रतिबंधन एंजाइम है, ठीक है, इसने क्या करा, इसको भी विशिष्ट सीक्वेंस से काटा और इसको भी विशिष्ट सीक्वेंस से काटा। याद रहे कि जब भी हम क्या करते हैं कोई एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेते हैं तो वो हम क्या करें, जिस वांछित डीएनए खंड को काटते हैं उसको भी उसी से काटेंगे, और जो प्लाज्मिड का डीएनए खंड है उसको भी क्या करेंगे उसी सीक्वेंस में काटेंगे। तो इसलिए हम एक जैसे ही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ताकि वो बराबर सिरों में उसको क्या करे, एक विशिष्ट अनुक्रम में काट सके। तो इसमें देखिएगा इसमें क्या करा, इसने यहाँ पर से इस तरीके से कट किया और इसमें ऊपर का रहने दिया और नीचे की ओर कट किया। तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा इसका आ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा इस डीएनए का आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डीएनए क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ऊपर वाले में क्या करा इसने, देखिए इस तरीके से ये डीएनए है तो इसमें एक ही हिस्सा रहने दिया और नीचे का वैसा ही है। दूसरे में क्या करा है कि ऊपर का तो वैसे ही रहने दिया है और नीचे का क्या है, इतना छोड़ा है। तो दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये इससे मैच हो जाएगा, ये इससे मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक नया पुनर्योगज डीएनए, नाम क्या है इसका, पुनर्योगज डीएनए, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, जिसको कि हमने क्या करना है, फिर लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचाना है, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझ में गए कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, ऐसे सीक्वेंस जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम में काट रहे हैं, चाहे वो वांछित डीएनए हो चाहे वो प्लाज्मिड का डीएनए हो। तो हमने दोनों को क्या करना है, ऐसे काटना है कि वो दोनों ही आपस में बाद में क्या हो जाए, जुड़ जाए। जैसे ऊपर वाले में क्या था, इस तरीके से काटा था, देखिए इधर, और दूसरे में क्या था, ऊपर वाला रहने दिया था,
ठीक है, और नीचे वाला काटा था। तो अब क्या हो गया, देखिए इसका ये हिस्सा कटा और इसका ये हिस्सा रह गया, ये इसका ये कटा, ये वाला ज़्यादा है। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो कैसे जुड़ेगा, देखिए ये डीएनए है, ठीक ये है और ये है, ठीक इधर से ये आएगा तो ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक, और इधर से ये आके इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो दोनों क्या हो गए, वाहक डीएनए और जो हमें वांछित वाला डीएनए, दोनों क्या हो गए, आपस में मर्ज होकर क्या बना दिया इन्होंने, पुनर्योगज डीएनए बना दिया। अब ये क्या है कि किसी परपोषी जीव में, ठीक है, परजीवी में जाने के लिए क्या है, तैयार है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पुनर्योगज डीएनए का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। समझ गए बच्चों? तो इसके जो स्टेप हैं वो क्या हैं, प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि डीएनए को खंड को काटने के लिए विशिष्ट प्रकार के एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है या प्रतिबंधन एंजाइम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर पॉलीमरेज जो कि उसको टेम्पलेट में न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि अधिक से अधिक संख्या में डीएनए का निर्माण हो। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम जो कि दोनों विजात जीनों को क्या करेगा, जोड़ेगा और पुनर्योगज डीएनए क्या करेगा, बनाएगा। फिर पुनर्योगज डीएनए के लिए वेक्टर है यानी कि किस की सहायता से हम इसको लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुँचाएं, और फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि परजीवी जीव से हमने क्या करना है, इसको पहुँचाना है ताकि जो हम अपना मनचाहा गुण है वो क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना? तो आज का टॉपिक क्या था हमारा कि पुनर्योगज डीएनए को हम कैसे बना सकते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए कैसे बनेगा कि दो अलग अलग, एक तो अवांछित डीएनए और दूसरा प्लाज्मिड का जो डीएनए है उनको हम क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा पुनर्योगज डीएनए तैयार होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।